दोस्तों आज हम आ पहुंचे हैं बिजनौर के सबसे आखिरी गांव मोराट में। एक गुज्जर समाज का एक घर है, किसान परिवार है और बहुत ही मेहनत और लगन से एक शानदार घर बनाया है जिसे देखकर आपकी आंखें भी चौंक जाएंगी। चलो इनके पास चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। तो चलो एक बार भैया विजिट करा दो घर की। आओ बाहर से नहीं, इधर चलते हैं। अच्छा आ जाओ इधर। ये क्या है जी, बैठक है अपनी? हाँ ये बैठक है। अच्छा आप आइए। तो पत्थर जितना भी लगा होगा वो कहाँ से मंगवाया था? वो भी बाहर से ही है, लोकल से? हाँ ये लोकल से, नूरपुर से। अच्छा अच्छा, जितना भी पत्थर वत्थर लगा है। हाँ अच्छा, ये बैठक है अपनी? ये बैठक है, ये पीओपी का काम है। अच्छा पीओपी का काम हो रहा है। ये सीमेंट की पीओपी है। सीमेंट की? हाँ। अच्छा अच्छा, सीमेंट की है, छूटेगी नहीं, सिलावी या कैसे भी। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं बहुत सही है। चलो इधर चलते हैं थोड़े से और एक बार ऊपर की विजिट करा दो पूरे घर की। ऊपर दिखवाते हैं आपको। ठीक है ठीक है। ये जीना है। अच्छा ये ग्रिल कहाँ से लगवाई है जी? हाँ ये भी यहीं लगवाई है। अच्छा तो खर्चा तो बहुत हो गया होगा जी लगभग? नहीं अपना जैसा पेमेंट आता रहा करने का, खेत अच्छा, किसान अच्छा। है तो उसी हिसाब से अपना काम चलता है। किसान आदमी जैसे जैसे आता रहा, हाँ, वैसे ही काम चलता रहा है। बहुत सही है। कितने फ्लोर होंगे ये? 3 फ्लोर है। 3 फ्लोर है। अच्छा ये लॉबी है। ठीक, ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी होगी। हाँ चलो ऊपर चलते हैं। आइए आप। नीचे कितने रूम होंगे? नीचे 4 हैं। अच्छा और इस वाले पे फर्स्ट फ्लोर पे? यहाँ भी 4 ही हैं। अच्छा आइए आप। ये है, हर कमरे की छत अलग है। अच्छा हाँ, हर कमरे की जो छत है पीपीओ अलग मिलेगी। अच्छा आप आइए। ठीक ठीक ठीक, आप यहाँ भी आ जाओ। हर कमरे की, इस कमरे की देखो अलग छत है। अच्छा पीओपी का डिजाइन जो है उसका सबका अलग है, हर कमरे में अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए आप, आपका लैट्रिन बाथरूम दिखाए। आइए आप। ये है अटैच है, ऐसा नहीं है, दो भाई है हम। जैसा फ्लोर इधर है ऐसा एक फ्लोर इधर है। अच्छा सेम ही बना रखा है पार्टीशन में, आधा इधर आधा इधर। कल के लियो नहीं कुछ हो। ठीक ठीक। ये रसोई है। ठीक, रसोई क्या पूरा कमरे है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये कौन, ये जगह की छोड़ रखी है जी? ये धूप के लिए, लोबी के लिए, हवा के लिए। अच्छा उसके लिए है। ऐसी सेम इधर है, तो इनकी छतें अलग तरह की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पीओपी तो हर मतलब कमरे में अलग है। चलो ऊपर चलते हैं। आइए आप ऊपर आओ। यहाँ फिर लोबी है। अच्छा हाँ, तो 2-3 साल से चल रहा होगा काम? हाँ 2 साल चला पूरा। अच्छा ये फिर लोबी है, यहाँ एक और लोबी होगी। हाँ इसके ऊपर तो टेरिस होगा? हाँ नहीं ऊपर है अभी। अच्छा ये लॉबी है। ठीक ठीक ठीक, तो फैमिली में कितने मेंबर होंगे टोटल, मतलब 10-12 होंगे कम है? नहीं और 5-6 ही हैं। हाँ 7 मेंबर हैं हम। अच्छा बच्चे पढ़ी रहे हैं? हाँ बस अच्छा, एक लड़का मेरे पास है। ठीक ठीक, भाई के पास एक लड़का है, एक लड़की है। ठीक ठीक, वो दोनों की बीवी है। सदस्य 7 हैं, परिवार छोटा है। अच्छा अच्छा, ये टेरिस होगी, इसके ऊपर एक और अभी इसके ऊपर और है। अच्छा अच्छा, ऐसे कितने रूम होंगे ये? यहाँ 3 रूम है। अच्छा 4 है, हाँ सॉरी ये 4 रूम है। लकड़ी का काम रह रहा है, दिखा मुझे? हाँ भी लकड़ी का काम रह रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाइए आप। ये छोटी पार्टी के लिए, डिनर नाइट के लिए, यहाँ भी इसमें इनकी अच्छा, पार्टी वार्टी के लिए ये रूम बना रखा है। ये अलग है, नीचे तल पे नीचे रूम है। मतलब पूरा का पूरा घर ऐसा बना रखा है, सेम इधर ही सेम इधर। हाँ लगेगा एक ही लेकिन पार्टीशन में बन रहा है। हाँ अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सही जी बहुत सही। ये गांव का नजरिया है। अच्छा ये पूरा गांव का क्षेत्र दिखेगा। ये गांव का, तो गांव कितना बड़ा होगा आपका? गांव काफी बड़ा है। अच्छा तो ये कौन सी बिरादरी मान के चलो? गुज्जर समाज। गुज्जर, गुज्जर समाज ही है। हाँ अच्छा, 90% में गुज्जर है। और वैसे अन्य बिरादरी होंगे। ठीक ठीक, आप ऊपर आइए। और अच्छा तो ये आप जो जिक्र कर रहे थे नीचे की बिजनौर का सबसे एंड का मतलब गांव में? हाँ यूसुफ धार सबसे लास्ट में है। लास्ट का जो गांव है बिजनौर का वो मुधाट है। अच्छा वो यही है। हाँ आप यहाँ आइए। ये टेरिस हो गई अपनी। हाँ चंडी के तरी पूरा, आप यहाँ से खेत देख सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं खेती की बात कर रहा था, ये अपना ही चेक है। हाँ ये सारी सारी खेती, ये कोलू है, ये है। ठीक ठीक ठीक, ठीक ठाक पैदावार में 80 से 90 कुंटल, 100 कुंटल तक का भी गन्ना हो जाता है। बहुत सही जी। तो कैसे आप बता रहे हो, मतलब किसान परिवार से ही हो? दादा परदादा, जमीन बढ़ाई भी होगी थोड़ी बहुत? हाँ जमीनें ली हैं। अच्छा अच्छा, जैसे जैसे पैसा आता रहा। हाँ हाँ, बड़ों के काम बड़ा है ही है, ऐसा नहीं है कि वो है, मेहनत तो रंग लाती है। तो आप छोटे वाले हो बड़े वाले हो जी? मैं छोटा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हमारे डैडी वो हो गए, एक बड़ा भाई है वो रूटर का काम करता है, रूटर में भी काफी किराए में आमदनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े भाई का लड़का है वो खाद्यान्न अधिकारी में बाबू है।
जी 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 हाँ हम अपना तो थोड़ी कोई और रुचि नहीं है मतलब राजनीति में या किसी और चीज में? राजनीति में क्या अपना हल्के हैं, राजनीति में राजनीति क्या अपना खेत किसान आदमी कितना टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा अच्छा वो अलग की बात है कि राजनीति का अगर कोई मुद्दा आया तो राजनीति में भी आएंगे। इधर क्या है जी? इधर इधर ये डीकम्पोज जैविक खाद जैविक खेती है। अच्छा तो ये खेच सकते हो आप? ये जैविक खेती भी करता हूँ। अच्छा इसे कब से कर रहे हो? ये 2 साल से। दो इसे दिखा दो एक बार क्या क्या चीज़ है। ये जो मोदी ने अलाउ करी है जैविक खेती के लिए। अच्छा तो इसमें ये क्या चीज होगी जी? ये डिकम्पोजर है। अच्छा। ये जमीन को पोपली करता है। अच्छा अच्छा हाँ इसमें तो इसमें क्या क्या चीज गिरती है? इसमें मल्टीप्लाई के लिए गुड़ है, बेसन है जी, और डिकम्पोजर आते हैं कीटाणु में, इसमें करोड़ों कीटाणु है, ये जमीन को पोपली कर देंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा। इसके करने से जो यूरिया से जो फसलों में जो रेड रोग वगैरह करने में लग रहा है वो कुछ नहीं है, और इससे बहुत ही सस्ता है ये। अच्छा। बहुत ही वो है। अच्छा, ये इसमें क्या है? इसमें ह्यूमिक एसिड है ये। अच्छा ह्यूमिक एसिड। हाँ ये बनता है उपलों से। अच्छा जो अपने उपले कहते हैं। ठीक ठीक ठीक। उससे ये इसमें जैविक जिब्रेली एसिड सब चीज होती है। अच्छा, अच्छा। इसमें न्यूट्रिकल है ये फसलों के लिए जो जैम या ताकत के लिए। अच्छा, ये अच्छा। देसी चीजें हैं जो जैविक खेती है, वो इसके साथ में रासायनिक भी कर लेते हैं जो आज। इस वाले ड्रम में क्या है जी? इसमें टंकी है, इसमें चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कब से कर रहे हो? 2 साल से। हाँ 2 साल से। इसका बेनिफिट क्या है मतलब? इसका जमीन में बीमारी कम है, अगर देसी खाद भी नहीं है अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो खेती में कोई असर नहीं होगा, बीमारी नहीं लगती, वो जमीन पोपले, पैदावार जो है इससे बहुत ज्यादा होती है। अच्छा चलो इधर चलते हैं थोड़े से। आ जाओ। ये भूस होगा सामने? हाँ ये भूस है। अच्छा तो पशु कितने रखे होंगे? पशु 7 हैं। अच्छा 7 हैं। चलो इधर चलते हैं। ये कौन सा पोर्शन है? ये नीचे का तल है। अच्छा ये बैठक है? हाँ ये बैठक है। चलो चलो इधर चलते हैं थोड़ी सी। आइए। अच्छा ये भी ऐसी कमरा है इसमें। अच्छा ये गोले पड़े हैं अपने यहाँ जी? हाँ ये नियाद के लिए है। पीछे चेक है तो पीछे भी शटर लगा रखा है। अच्छा तो पीछे जितनी भी है जमीन सारी अपनी है? ये अपनी है। अच्छा 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 अच्छा, चलो एक बार चलते हैं इधर को। आओ। ठीक ठीक ठीक। ये पशुओं के लिए हवा के लिए है। अच्छा ये किस वजह से गिर रखी है ये पत्ती? ठंड की वजह से गिर रखी है? नहीं नहीं, जिससे कि पशुओं को ठंड के लिए भी है और जिससे कि चौड़ाई खाद भी बन जाता है, वहां से में ठंड भी नहीं लगती पशुओं को। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये पीछे खेती है। अच्छा यहाँ से गेट खोल रखा आपने? हाँ ये जितनी भी खेती अपनी? हाँ खेती है, कोल्हू अपना है। कोल्हू भी अपना है। कोल्हू कितना पुराना होगा? ये कोल्हू तो हम 22 साल से चला रहे हैं। 22 साल से? ये रूटर आप बता रहे थे कि भैया काम करते हैं? हाँ जुताई के काम के लिए आता है रूटर, खेती के लिए उसमें चलता है। अच्छा तो ट्रॉली भी होगी जी? हाँ वो भी है पीछे, उसमें पर्ची डालते हैं बुग्गी के बैल में चारा लाने के लिए है। अच्छा अच्छा, वो ये पर्ची के लिए है टिपलर। तो गन्ने वन्ने अपना भी गेर लेते होगी जी? हाँ आप ही गेरते हैं। अच्छा अपना छोल लेते हैं लोग। तो ठेकेदार लगा रखे हैं खेती भी अपना भी करते हैं? ऐसे खेती कर लेते हैं। अच्छा तो जो भैया बराबर में देख रहा हूँ मैं, ये परिवार के सदस्य होंगे सारे? सब घर के परिवार वाले सदस्य हैं। अच्छा अच्छा, इनका थोड़ा सा परिचय दे दो। ये लड़का है हमारा। अच्छा अच्छा, ये हमारे बड़े भाई है। इनका क्या नाम होगा? जयचंद सिंह। अच्छा बराबर में बब्बा जी देख रहा हूँ मैं, ये हमारे अंकल जी हैं। तो भैया जी अपना शुभ नाम बता दो। मेरा नाम जी खन्ना गुजर है। खन्ना गुजर जी। जो बराबर में बब्बा जी मेरे, ये जो है इनका नाम संतराम जी है। अच्छा इन और रिश्ते में जो लगते हैं ये मेरे दादाजी लगते हैं। ये दादाजी? ये दादाजी। तो ये तो जवान है जी काफी? ये जवान तो हैं, इनकी आयु कम से कम जो है 48 ईयर। 48 ईयर। हाँ लेकिन क्या है मेरी लगभग है यानी कि 38 ईयर। अच्छा तो 10 साल की छोट बढ़ाई है लेकिन है आपके दादा? हाँ ये मेरे दादा हैं। अच्छा अच्छा। और बराबर में जो बाबा जी ये मेरे ताऊ जी हैं, इनका नाम बीरबल सिंह नाम है इनका। राम राम बाबा जी। इनकी कितनी एज होगी? इनकी तो कम से कम जी 85 ईयर एज है। 85। हाँ जी। तो शरीर कर रहा है काम बढ़िया? शरीर तो इनका काम इस समय जो हाँ बढ़िया काम कर रहा है, हुक्का पीते हैं बढ़िया, घूमते बढ़िया हैं। अच्छा, और इनका काम ये है रेस्ट लेना है, घूमते फिरते खाना, हैं खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, और कोई इनका और काम कोई नहीं। अच्छा, काम अच्छा। नहीं। तो आप भी खेती बाड़ी करते होगे भैया? हाँ मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ। और जितना भी मतलब सामान इसमें इस्तेमाल हुआ होगा, रोडी बजरपुर सीमेंट, वो कहाँ से मंगवाया था आपने? लोकल से या बाहर से? नहीं लोकल से। अच्छा लोकल से ही सब कुछ। ये देखो ये जो मशीन है इसमें डिकम्पोजर लगाया, इसमें अभी तक कोई यूरिया कुछ नहीं लगा। अच्छा अच्छा। लेकिन इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है डिकम्पोजर का। चलो एक बार नीचे चलते हैं। ये डिकम्पोजर का रिजल्ट है। अच्छा जो सबसे और जो आप खेत बता रहे थे मतलब जो वो बता रहे थे कि मैंने डिकम्पोज वाला कर रखा, वो एक बार दिखा दो कहाँ है वो? वो कुड़िया है, वो तो जो पीछे देखा है जो डैमो में ये बढ़ता रहता है, इसमें गुड़ डालते रहो, जैसे 200
ड्राम है 200 लीटर का, तो इसमें 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन डाल दो, ये मल्टीप्लाई फिर हो जाता है एक एकड़ के लिए। चलो आगे चलते हैं थोड़े से, आ जाओ ऐसे ही आ जाओ। गुड़ तो भाई साहब गन्ना ही बो रखा है और भी वो रखा है कुछ? नहीं गन्ना सरसों है पहले। अच्छा आ जाओ ऐसे निकले, वो कोई दिक्कत हाँ ना, अपना ही तो खेत। नहीं अपना तो है लेकिन कभी। तो भाई साहब गन्ना ही बो रखा है और भी वो रखा है कुछ? नहीं गन्ना है सरसों है। अच्छा हाँ गन्ना सरसों। हाँ मुंजी उंजी पे ध्यान नहीं देते ज्यादा? नहीं मुंजी नहीं बोते हम, गेहूं सरसों भाई ये 3 फसलें ज्यादा करते हैं यहाँ। अच्छा तो इसका मतलब खेती और कोल्लू दोनों देखते हो जी? हाँ दोनों, ये बड़ा भाई है। अच्छा वो देखता है। ठीक 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 22-23 साल से बहुत पुराना है ये तो? हाँ काफी टाइम हो गया ऐसे चलते हैं। अच्छा और जो आप डीकम्पोज की बात कर रहे थे वो कितने बीघे में कर रखा है आपने? नहीं ये डीकम्पोजर तो खाद बन गया, इसे पानी में जब ट्यूबवेल चलता है तो उसमें टंकी से बूंद बूंद चलता रहता है तो उसका इससे लाभ मिलता है। अच्छा तो इन्हें सारे के सारे खेत में करते हो जिसे? हाँ। अच्छा तो ये अपना वो हो गया कोल्लू है? हाँ ये कोल्लू है। ठीक 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 तो इसकी शुरुआत आपने की थी पिताजी ने की थी? नहीं पिताजी। अच्छा पिताजी है अब? नहीं वो एक्सपायर हो गए। अच्छा 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 हार्ट अटैक हो गया था जी 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 उसमें। चलो इधर चलते हैं ऐसे निकल दें। तो अब काम बंद हो रहा है जी? नहीं नहीं आज लेबर छुट्टी पे है, शादी में है। अच्छा अच्छा तो आज चला नहीं है। ठीक 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 भाई साहब इसका क्या करते हो आप? ये भी किस चीज में इस्तेमाल कर लेते हो जो ये बस्ता है कचरा? ये कचरा जब गुड़ बनता है जी, ये खोई निकली तो ये नई खोई जो है वो सूख जाएगी, ये पुरानी खोई झुकती है, इसी से तो गुड़ बनता है। अच्छा 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 हाँ तो ये इस्तेमाल में हो जाता है मतलब रिसाइकल हो जाती है इसकी? हाँ। अच्छा अच्छा ये अपना ये जल के इससे गुड़ बन जाएगा, जो नई खोई आएगी वो दोबारा सूख कर दोबारा गुड़ बन जाता रहेगा। चलो इधर चलते हैं जी। तो शटर लगा रखा है जी इसमें? हाँ ये शटर है पीछे जंगल के लिए। अच्छा तो ये घेर घर अपना एक ही जगह है? हाँ ये जगह भी अपनी है सामने वाली? ये अंकल की है हमारे। अच्छा अंकल जी की है। ठीक 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 और जितने भी ये खेत देख रहा हूँ सारे अपने होंगे? हाँ ये अपने हैं। अच्छा। यहाँ तक स्कूल है ये। अच्छा अच्छा हाँ ये इंटर कॉलेज है स्कूल। ठीक 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 दोस्तों मेहनत की बात ही अलग है। दोस्तों देखा आपने भाई ने बहुत ही लगन और मेहनत से ये घर बनाया है और पूरा परिवार इनके साथ रहता है। दोस्तों इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर ही समाप्त। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।